नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायो गुरु पर। आज का हमारा टॉपिक है बड़ी आंत, जो कि चैप्टर नंबर 22 का पार्ट नंबर 4 है। बड़ी आंत आहार नाल का ये सबसे आखिरी भाग है। आहार नाल का सबसे अंतिम भाग। बड़ी आंत है। बड़ी आंत के बारे में सबसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो है इसकी लंबाई। इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर, जबकि जो छोटी आंत थी उसकी थी 6.5 मीटर। तो आप कहोगे कि लेंथ में तो ये बड़ी है, तो इससे बड़ी क्यों कहा है? तो इसका कारण है, इसे बड़ी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका जो व्यास होता है डायमीटर, इसका व्यास अधिक होता है। इस बड़ी आंत के तीन भाग होते हैं। तीन भाग कौन कौन से? फर्स्ट आता है सिकम, सेकेंड आता है कोलन, और थर्ड आता है मलाशय। मलाशय वे गुदा, इसके तीन पार्ट हैं। तो इससे पहले हम आपको बता दें कि जो बड़ी आंत है वो कहां से कहां तक फैली रहती है। हमने देखा था इलोकोकल वाल्व, यानी कि त्रिकांत कपाट। त्रिकांत कपाट से लेकर के कहां तक? गुदा तक फैली रहती है, जिसे एम्स कहते हैं। त्रिकांत कपाट मतलब इलियोकोकल वाल्व। कहां से कहां तक फैली रहती है? त्रिकांत कपाट से गुदा तक बड़ी आंत फैली होती है, और उसकी लंबाई है 1.5 मीटर। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, इसकी लंबाई याद रखनी होगी आपको हमेशा। छोटी आंत की 6.5 मीटर और बड़ी आंत के 1.5 मीटर। इसका व्यास अधिक होने के कारण से बड़ी आंत का है। तो त्रिकांत का पार्ट कहां पाया गया था? हमने देखा था कि ये छोटी आंत का कौन सा भाग है? ईलियम यानी छिद्रांत। इसका जो अंतिम शिरा होता है वो फूला हुआ होता है। देखिए, हम इसे जूम करके देखते हैं तो इसका अंतिम शिरा क्या हुआ है? जूम हो रहा है। और ये जो ग्रीन कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है, ये आपको, ये है बड़ी आंत है। ये बड़ी आंत का आखिरी शिरा है, जिसका नाम है सिकम, सॉरी पहला सिरा है। और ये छोटी आंत का आखिरी शिरा इलम, और बड़ी आंत का पहला भाग, पहला सिरा कौन सा है? सिकम। सिकम और जो इलियम है, ये दोनों, इन दोनों के बीच में कपाट पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं इलोकोकल वाल्व, त्रिकांत कपाट। तो देखिए, छोटी आंत पैरोलिक वाल्व से लेकर त्रिकांत कपाट तक फैली हुई है, और बड़ी आंत त्रिकांत कपाट से लेकर के गुदा तक फैली हुई होती है। याद आ गया होगा क्या पढ़ा था हमने? तो कहां से कहां तक फैली रहती है? त्रिकांत कपाट से गुदा तक बड़ी आंत फैली हुई रहती है। अब कुछ बातें सुनिए। देखिए, हमने देखा था छोटी आंत में कई प्रकार के एंजाइम श्रावित होंगे, लेकिन बड़ी आंत में कोई एंजाइम नहीं होता। नो एंजाइम सिट्रेट्स श्रावित नहीं किए जाते। और यहां पर इसका कार्य क्या है? इसका कार्य होता है, जो अनअवशोषित भोजन होता है, जिसे अवशोषित नहीं किया जाता, अनावशोषित भोजन, इस अनावशोषित भोजन को स्टोर करने का काम होता है छोटी आंत बड़ी आंत का, यानी कि संग्रह करने का काम होता है। और साथ ही जैसे अतिरिक्त जल होता है, अतिरिक्त जल जैसे लवण आदि होते हैं, लवण आदि का अवशोषण करने में भी बड़ी आंत
काम में आती है। बड़ी आंत क्या करती है, दो काम करती है, एक तो अनावश्यक भोजन को स्टोर करती है और अतिरिक्त जल, अतिरिक्त जल जैसे कि लवण सॉल्ट्स आते हैं उन्हें अवशोषित करती है। जैसे ये हमारी बड़ी आंत है, तो इस बड़ी आंत में कौन सा पार्ट क्या है ये देखेंगे, जो ये अंदर की साइड छोटा सा पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये है इलियम यानी छिद्रांत, और ये भाग यहां से यहां तक का ये भाग है ब्लू कलर का, इससे ऊपर का भाग जो है ये है सिकम। यहां से इस ग्रीन पोर्शन से लेकर यहां तक का पार्ट, यहां से लेकर यहां तक का पार्ट है हमारा कोलन। फिर आता है हमारा मलाशय, ये है हमारा मलाशय, और ये लास्ट में जो भाग है ये है हमारा गुदा। तो इसमें कोलन में तीन पार्ट हैं, ये हम इसको विस्तार से आगे पढ़ेंगे। तो इसके फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट आता है हमारा सिकम, सिकम के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो सिकम है ये हम मनुष्य में बहुत कम विकसित होता है, और इसकी जो आकृति होती है वो थैलेनुमा होती है। आकृति कैसी होती है इसकी, थैलेनुमा। इसकी लंबाई और चौड़ाई देखिए, इसकी लंबाई होती है 6 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई होती है 7 सेंटीमीटर। जो सिकम है इसके शरीर पर एक अंगुली नुमा प्रवर्ध होता है जिसे हम कहते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स को क्या कहेंगे हिंदी में, कृमि रूपी परिशेषिका। परिशेषिका कहते हैं अपेंडिक्स को हिंदी में, और कृमि रूपी यानी वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। इस कृमि रूपी जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है इसकी लंबाई होती है 8 सेंटीमीटर। देखिए कहां होता है अपेंडिक्स, मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूं। आपको इसका सिकम के पार्ट का जो ब्लैक ब्लैक पार्ट दिखाई दे रहा है यही है हमारा अपेंडिक्स, अपेंडिक्स यानी कि कृमि रूपी परिशेषिका वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, जो कि 8 सेंटीमीटर लंबा। इसकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, और सिकम की लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। ये अपेंडिक्स हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग है। कैसा अंग है, अवशेषी अंग। अवशेषी अंग क्यों है, क्योंकि हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं करता है, इसका हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं। ये पहले हमारे यूज में आया करता था, जब हमारे पूर्वज बंदर हुआ करते थे तो उस समय जब हम सेलुलोज यानी कि घास खाते थे तो उसमें सेलुलोज होता था, उसके पाचन में अपेंडिक्स परिशेषी का काम आता है। अगर अपेंडिक्स में सूजन हो जाता है तो इसे हम निकाल देते हैं, सॉरी, अगर अपेंडिक्स में सूजन हो जाए तो इससे हमें बहुत पेन होता है और हम इसे निकलवा सकते हैं ऑपरेशन के माध्यम से, और जो दर्द होता है उसे हम कहेंगे अपेंडिक्टीज। क्या कहेंगे, अपेंडिक्टीज। और यहां हम इतने ऊपर से पढ़ते जा रहे हैं कि सिकम और इलियम, सिकम व इलियम के मध्य इलोकोकल वाल्व पाया जाता है। इलोकोकल वाल्व मतलब त्रिकांत का पार्ट। त्रिकांत का पार्ट क्या करता है, जो भोजन इलियम से सिकम में जाता है फूड उसे वापस जाने से रोकता है, बैकवर्ड फ्लो होने से। मतलब जैसे एक बार, जैसे मान लीजिए ये कोई गुहा है, अगर इसमें ये फूड है मान लीजिए और ये फूड इसमें चला गया, फूड जाने के बाद यहां पे एक वाल्व पाया जाता है जो बंद हो जाता है। अगर ये वाल्व नहीं पाया जाएगा
तो फूड वापस इसमें आ जाएगा, राइट। वापस कहां से? सिकम से वापस इलियम में। तो इस कारण से ये त्रिकांत कपाट इलोकोकल वाल्व पाए जाते हैं। ऐसे ही कपाट हमने पढ़े थे, एक तो पायरोलिक वाल्व और एक कार्डिक वाल्व। तो यहां तक तो हमने सिकम के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारा आता है कोलन, जिसे हिंदी में बृहदान्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? बृहदान्त्र। तो अब कोलन के बारे में जानिए। कोलम जो है ये सबसे विस्तृत भाग है हमारे शरीर का, मतलब कि बड़ी आंत का, जिसकी लंबाई है 130 सेंटीमीटर। कोलन जो है ये बड़ी आंत में, मतलब कि ये सबसे लंबा भाग है, कुंडलित है, कुंडलित नहीं है सॉरी, अकुंडलित है, कहां मुड़ी हुई, एकदम सीधे उल्टे यू आकार की है, उल्टा यू आकार होता है इसका। देखिए हम डायग्राम में दिखाते हैं आपको, इसका उल्टा यू आकार होता है, अकुंडलित होती है और सबसे लंबी है। ये देखिए यहां से यहां तक का भाग हो गया था हमारा सिकम, और इससे ऊपर ग्रीन पार्ट से लेकर इस पार्ट तक कोलन होता है। तो ये देखिए लंबा भाग है, अकुंडलित है, यहां कोई भी कुंडली नहीं बन रही है इस तरीके से, जैसे कि छोटी आंत में बन रही थी अंदर की साइड, ऐसे कोई भी कुंडली नहीं बन रही है। ओके, और ये सबसे लंबा उल्टे यू आकार का है। सेकंड बात आती है, ये देखिए हम इसे सीधा करते हैं तो हमें ये उल्टा यू दिखेगा, जैसे हमने इसे उल्टा कर दिया है तो ये यू दिखाई दे रहा है। इस बड़ी आंत को हमने उल्टा किया तब हमें ये सीधा यू दिखाई दे रहा है। अगर हम इसे सीधा करेंगे तो ये हमें इस तरीके से यू आकार का दिखाई दे रहा है, उल्टे यू आकार का। इस कोलन में आपको जो छोटी छोटी थैलियां दिखाई दे रही हैं, जैसे कि ये थैली हो गई, एक ये छोटी छोटी थैलियां दिखाई दे रही हैं, जो कि इसकी गुहा का क्षेत्रफल बढ़ा रही हैं। इन्हें हम कहेंगे होस्ट्रा, हास्ट्रा, क्या कहेंगे, हास्ट्रा। और इनके बीच में जो आपको ये दिखाई दे रहा है रेड कलर का, यहां से यहां तक, ये मैंने गलती से सिकम में भी बना दिया था, वैसे ये सिकम में आएगा नहीं, सिकम का पार्ट नहीं है ये, ये कोलन से लेके फैली होती है, कहां तक, पूरे कोलन में ही फैली होती है। इस कोलन के तीन पार्ट हैं, ये भी पढ़ेंगे हम, जो इनके बीच में ये अनुलंब पेशियां हैं। कौन सी पेशियां? अनुलंब पेशियां। अनुलंब पेशी या फिर बैंड्स, जिन्हें हम कहते हैं टीनी। ये जो रेड कलर की आपको दिखाई दे रही है टीनी, टी ए एन आई ए टीनी। अब कोलन के तीन पार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं कि कोलन के कौन कौन से तीन भाग हैं। पहला भाग आता है इसका आरोही कोलन, आरोही कोलन यानी कि असेंडिंग कोलन। सेकंड इसका आता है अनुप्रस्थ कोलन, जिसे कहते हैं ट्रांसवर्स कोलन। थर्ड इसका आता है अवरोही कोलन। ये तीन भाग हैं, हम इसे डायग्राम में देखने से पहले इन सभी की लेंथ देख लेते हैं कितनी कितनी होती है। तो असेंडिंग कोलन यानी आरोही कोलन की लंबाई कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर। अनुप्रस्थ कोलन यानी कि ट्रांसवर्स कोलन, इसकी लंबाई होती है 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आता है अवरोही कोलन, जिसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। तो तीनों की लंबाई आ चुकी है। अब हम इसका यूज पढ़ेंगे, पहले हम इसे डायग्राम में देख लेते कि कहां क्या होता है। जहां मैंने अलग अलग कलर कर रखा है, देखिए ये ग्रीन वाला है, ये इससे थोड़ा अलग कलर है, ये थोड़ा पेंसिल का कलर है, पेंसिल जैसा है, पेंसिल का कलर नहीं है वैसे।
तो इसका जो ग्रीन पार्ट है ये वाला, ये है इसका आरोही कोलन यानी कि असेंडिंग कोलन, आरोही कोलन। और इसके ऊपर का भाग ये है इसका ट्रांसवरीज कोलन, जिसे हम कहते हैं अनुप्रस्थ कोलन। और यहां जो पेंसिल जैसा कलर दिखाई दे रहा है आपको, ये है हमारा अवरोही कोलन। तो इस प्रकार से इसके पार्ट हो गए हैं आरोही, अनुप्रस्थ और अवरोही। अब इन तीनों के कार्य पढ़ लेते हैं। आरोही कोलन में क्या किया जाता है, द्रव व लवण को अवशोषित किया जाता है, एब्जॉर्व किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। सेकंड आता है अनुप्रस्थ कोलन। अनुप्रस्थ कोलन यानी कि ट्रांसवरेज कोलन, इसमें जो अतिरिक्त जल होता है, अतिरिक्त जल, जैसे छोटी आंत में इसका अवशोषण हो चुका था, अब बड़ी आंत में क्या होगा, जो अतिरिक्त जल है उसको हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, अतिरिक्त जल रिमूव करने में। आरोही कोलन का क्या कार्य है, ये जो होल्ड वेस्ट होते हैं, जो वेस्ट पदार्थ होते हैं, व्यर्थ व्यर्थ पदार्थ, उसको पकड़े रहने में, होल्ड करने में काम करता है। मतलब जो व्यर्थ पदार्थ है वो आरोही कोलन में पाया जाएगा, कोलन में। ये क्या करता है, होल्ड वेस्ट यानी कि व्यर्थ पदार्थ को इकट्ठा रखता है। नंबर थर्ड आता है मलाशय। मलाशय, हम मलाशय के साथ ही हम गुदा ले लेते हैं, मलाशय व गुदा। तो देखिए जो मलाशय है इसकी लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर और गुदा की लंबाई होती है 4 सेंटीमीटर। दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 सेंटीमीटर लंबाई होती है इन दोनों की। मलाशय की भीतरी सतह पर, अंदर वाली सतह पर, श्लेष्मा श्रावी कोशिकाएं, गोबेल्ट सोल्स सेल्स यानी कि कलश कोशिकाएं पाई जाती हैं। और मलाशय में जल और लवण अवशोषी कोशिकाएं पाई जाती हैं। मलाशय क्या कार्य करता है, मलाशय का कार्य होता है अपचित भोजन, अपचित भोजन को अस्थायी रूप से संग्रह करता है। अस्थायी है क्योंकि हम हमेशा के लिए संग्रह नहीं करता, हमारा जो मलाशय है समय समय पर इसे मलद्वार के द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। अब बात आती है गुदा की। जो गुदा होता है यानी एनस, इसको हम डायग्राम से समझेंगे। ये है लास्ट का पार्ट हमारा गुदा, यहां से यहां तक का, ये बाकी का मलाशय यहां से यहां तक का, ये है गुदा। गुदा में दो अवरोधनिया, दो अवरोधनिया मतलब दो स्फिंक्टर है। कौन कौन से दो स्फिंक्टर है, एक तो है इंटरनल स्फिंक्टर और एक है एक्सटर्नल स्फिंक्टर, यानी एक है आंतरिक अवरोधनी और एक है बाह्य अवरोधनी। जो जो इंटरनल क्या है, जो इंटरनल स्फिंक्टर है, जैसे ऊपर का पार्ट जो है ये है इंटरनल स्फिंक्टर, दोनों ही क्या है, इंटरनल स्फिंक्टर यानी आंतरिक अवरोधनी। ये आंतरिक अवरोधनी जो है ये अनैच्छिक पेशियां होती है, अनैच्छिक पेशियों से बनी होती है, इसलिए हम इसे अनैच्छिक अवरोधनी भी कह सकते हैं। और इसके नीचे का जो ये भाग है, ये है इसका एक्सटर्नल स्फिंक्टर। एक्सटर्नल स्फिंक्टर है यानी कि ये ऐच्छिक पेशियों से मिलकर बना होता है। सॉरी गलत लिख दिया,
ऐच्छिक पेशियों से मिलकर बना होता है और ये समय समय पर गुदा को खोलने और बंद करने का कार्य करती है। तो ये था हमारा छोटी आंत का छोटा सा टॉपिक, सॉरी बड़ी आंत का छोटा टॉपिक। एक बार फिर से देख लीजिए, बड़ी आंत है, इसकी लंबाई 1.5 मीटर, जिसका व्यास अधिक होने के कारण से हमने बड़ी आंत कहा। इसकी तीन भाग है, इसमें हमने गुदा भी ले लिया है। ये त्रिकांत कपाल से लेकर गुदा तक फैली होती है, इसमें कोई एंजाइम श्रावित नहीं होता। ये अनावशोषित भोजन को स्टोर करती है और अतिरिक्त जल का अवशोषण करती है। पहला हमने देखा है सिकम। सिकम जो है ये कम विकसित होता है और इसकी आकृति थैलेनुमा होती है। यहाँ पर एक बात जान लीजिए, जो सिकम है कि हम प्राणियों में कम विकसित है, लेकिन ये जो शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी जैसे हम रैबिट ले लेते हैं, रैबिट जो साग खाते हैं जैसे कि घास फूस खाते हैं, उसे हम शाकाहारी कहते हैं। इन शाकाहारियों में ये काफी क्या होती है, विकसित होती है। और ये क्या कार्य करती है, इसमें सेलुलोज का पाचन करती है। सेलुलोज का पाचन होता है इनमें, किसमें, सिकम में। और इनमें सिकम की लंबाई कितनी होती है, 12 से 13 सेंटीमीटर। तो ये इसमें एक अपेंडिक्स पाया जाता है, अंगुली नुमा प्रवर्त, जिसे हम कहते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। इसकी लंबाई होती है 8 सेंटीमीटर। ये हमारे शरीर में अवशेषी अंग है। अगर इस अपेंडिक्स में सूजन हो जाता है तो उसे हम कहते हैं अपेंडिक्टिस। सिकम और इलियम में त्रिकांत का पार्ट पाया जाता है, जो भोजन को वापस इलियम में आने में रोकता है। नेक्स्ट इसमें आता है कोलन यानी वृहदांत, जिसकी लंबाई 130 सेंटीमीटर होती है। ये उल्टे यू आकार का लंबा और अकुंडलित होता है। इसके तीन भाग है, आरोही कोलन जो 15 सेंटीमीटर लंबा होता है, इसमें द्रव और लवण का अवशोषण किया जाता है। नेक्स्ट होता है अनुप्रस्थ कोलन, जिसकी लंबाई होती है 50 सेंटीमीटर, जो अतिरिक्त जल को रिमूव करता है, बाहर निष्कासित करता है। अवरोही कोलन है, इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर, जो क्या कार्य करता है, व्यर्थ पदार्थ को स्टोर करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है हमारा मलाशय व गुदा। मलाशय 12 सेंटीमीटर का होता है, गुदा 4 सेंटीमीटर की, दोनों को मिला के कहेंगे 20 सेंटीमीटर। ये इसमें अपचित भोजन जो है, मलाशय में अपचित भोजन अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है और समय समय पर मलद्वार द्वारा यानी गुदा के द्वारा त्याग दिया जाता है। और उसकी भीतरी सतह पर श्लेष्म स्रावी ग्रंथ कोशिकाएं और कलश कोशिकाएं गोब्लेट सेल्स पाई जाती हैं। और लास्ट बचा है हमारा गुदा। गुदा में दो प्रकार की अवरोधनी पाई जाती है, स्फिंक्टर पाई जाती है, एक इंटरनल स्फिंक्टर और दूसरा एक्सटर्नल स्फिंक्टर। जो इंटरनल स्फिंक्टर है ये अनैच्छिक पेशियों से मिलकर बना है और जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है ये ऐच्छिक पेशियों से मिलकर बना है। ये ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियां समय समय पर बंद होती रहती है और खुलती रहती है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।